हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सब कुछ चैनल। तो दोस्तों, रिलायंस जियो इंडस्ट्री ने अपने 43वें एनुअल जनरल मीटिंग में मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हैं। इसके अलावा जियो देश का पहला 5G नेटवर्क स्टार्ट करेगा और हमें मिलेगा आने वाले टाइम में जल्द ही सस्ते 5G और 4G स्मार्टफोन। और जियो टीवी प्लस भी अनाउंस किया है, जिसमें कि आपको सभी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट एक ही जगह पर मिलेगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार, सोनी लिव वगैरह। तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जियो के AR ग्लासेस में, जो कि जियो ने अनाउंस कर दिया है। हालांकि इसको अभी कोई लॉन्च डेट अनाउंस नहीं किया है, बट ये किस तरीके से काम करेंगे और इनमें क्या कुछ देखने को मिलता है सब कुछ बता दिया है। तो मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जहां पर एप्पल सैमसंग जैसी कंपनी अपने AR ग्लासेस के पेटेंट को रजिस्टर करवा रही है और हमारे देश में डायरेक्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, साथ में प्रोटोटाइप भी शो कर दिया गया है। और वहीं जिन लोगों को AR ग्लासेस के बारे में नहीं पता, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये सिंपल ग्लासेस जैसे ही होते हैं जिनको आप अपने फेस पर पहन सकते हैं, बट वहीं ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं। जैसे कि आपके स्मार्ट वॉच पर आपके फोन की नोटिफिकेशन आते हैं, उसी तरीके से इन ग्लासेस पर भी आपके फोन की नोटिफिकेशन, मैसेज वगैरह, कॉल नोटिफिकेशन सभी आएंगे। और आप इन पर मीडिया कंजप्शन भी कर पाएंगे। अगर आप इन पर मूवीज वगैरह देखना चाहते हैं तो लार्ज स्क्रीन पर वो भी आप देख पाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्शन वगैरह होगा, तो उसके थ्रू आप इस पर मूवीज वीडियोस वगैरह देख पाएंगे। इसके अलावा आजकल जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो आप इससे एक साथ में दो लोगों को वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। और जियो स्मार्ट ग्लासेस 3D होलोग्राम वीडियो कॉल भी सपोर्ट करता है, यानी कि वीडियो कॉल के टाइम पर आप अपने साथ में 3D मॉडल भी देख पाएंगे। तो अगर आप कोई मीटिंग ले रहे हैं तो आपको किसी लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और साथ में जैसा कि जियो ने दिखाया है कि अगर आप ताजमहल वगैरह घूमना चाहते हैं तो आप इन ग्लासेस की मदद से वो भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये VR जैसा भी काम करेंगे। तो ये सच में आने वाले टाइम में एक फ्यूचर है। मुझे लगता है कि ये आगे आगे हमारे मोबाइल को भी रिप्लेस कर देगा। बाकी इसके ग्लास में हमें हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलती है, बट ये नहीं बताया गया कि ये कितना हाई रेजोल्यूशन है। वहीं इसमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है वो भी नहीं बताया गया, या फिर इसकी बैटरी कितनी मिलती है इसके बारे में बात नहीं की गई। बाकी इस तरीके के जब भी कोई ग्लासेस लॉन्च करता है तो सब कुछ बता दिया जाता है, बट यहाँ पर अभी सिर्फ इनको अनाउंस किया गया है। जब ये लॉन्च किए जाएंगे तो हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। अगर इनको देखकर आपको तो ये थोड़ी बल्की लग रहे हैं, तो ये अभी स्टार्टिंग है। आगे आने वाले टाइम में ये तो और ज्यादा स्लिम बनाए जाएंगे, बट वहीं पर ये वाले ग्लासेस सिर्फ 75 ग्राम के हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, साथ में इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी दिए गए हैं, तो ये भी एक कमाल की बात हो जाती है कि आप इनसे सॉन्ग वगैरह भी सुन पाएंगे। तो जिस तरीके की इस टाइम पर सिचुएशन है, पेंडेमिक टाइम पर जब सभी घर से मीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी जब ये लॉन्च होंगे तो इनकी प्राइस हम आम लोगों के पहुंच से तो बाहर होगी, क्योंकि ये काफी महंगे होने वाले हैं और ये इंडिया के फर्स्ट स्मार्ट ग्लासेस भी बन जाते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये जियो का AR ग्लासेस, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अब फाइनली देख के लगता है कि अगर इंडिया की कोई टेक कंपनी है जो कि आगे जा सकती है, वो है जियो, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की असली मतलब तो जियो ही बता रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ जियो के 5G के बारे में, यानी कि इस साल पेंडेमिक के चलते सभी 5G कंपनीज को रोका हुआ था इंडिया में, और सभी को लग रहा था कि इंडिया कहीं पीछे ना रह जाए 5G के मामले में। बट अब देख के लग रहा है कि 5G नेटवर्क और 5G फोन जल्द ही इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जियो इंडिया का सबसे पहली कंपनी बन जाती है जिसने खुद की 5G टेक्नोलॉजीज बनाई है और वो 5G इम्प्लीमेंट करने वाली है इंडिया में। इसके अलावा जियो ने कहा है कि जब वो इंडिया में अपना 5G नेटवर्क को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेगी, उसके बाद वो अपनी इस टेक्नोलॉजी को बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकती है। कंपनी ने इस मीटिंग में फेसबुक के साथ ही इंटेल और क्वालकॉम से अपनी पार्टनरशिप के बारे में भी बताया है। इस कंपनी के साथ में मिलकर रिलायंस टेक्नोलॉजी में अब नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। गूगल ने जियो में 7.7% की हिस्सेदारी के साथ में 33 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्ट किया है। गूगल के इन्वेस्ट के बाद में अब रिलायंस में 1.52 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हो चुका है। इस तरीके से 14 कंपनियों ने जियो में अपना पैसा लगाया हुआ है। वहीं मुझे ये लग रहा है कि अब हमें सस्ते में गूगल एंड्रॉइड OS पर चलने वाले स्मार्टफोन भी मिलेंगे, जिसमें कि शायद से क्वालकॉम का प्रोसेसर हो सकता है। और वहीं जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाएगी, जो कि स्पेशली इंडिया के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। और वहीं ये सबसे अच्छी बात हो जाती है कि इसमें जियो एक भी चाइना साइड की कंट्री को शामिल नहीं किया है, ना ही कोई कोरियन और ना ही कोई इसमें चाइनीज, किसी को भी इसमें हिस्सेदारी नहीं दी गई है। वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि इंडिया जैसे देश में सभी के पास इंटरनेट होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जियो और गूगल के पार्टनरशिप से ऐसे लाखों इंडियंस को इंटरनेट मिल सकेगा जिनके पास में स्मार्टफोन भी नहीं है। वहीं इंडिया में अभी भी 35 करोड़ 2G फीचर फोन यूजर है। गूगल और जियो मिलकर इन लोगों के लिए सस्ता स्मार्टफोन बनाएंगे। जियो का मकसद है कि 30 करोड़ लोगों को 2G से 4G में अपग्रेड करना। बाकी आप लोग बताओ कि अगर जियो का सबसे सस्ता 5G फोन आता है तो क्या आप लोग लेंगे? नेक्स्ट जियो टीवी प्लस, ये एक जियो का सेटअप बॉक्स है जिसकी एप्लीकेशन है और ये जियो के फाइबर नेट के साथ में काफी अच्छे से काम करती है, जहां पर आपको सभी कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर मूवी के लिए अलग अलग से एप्स को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और लॉगिन वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा। यहां पर आपको सिर्फ जियो टीवी प्लस में लॉगिन करना होगा बस। फिर आप सभी OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी
हॉटस्टार, वूट, सोनी लिव, जी फाइव, जियो सिनेमा जैसे सभी एप्स को एक ही जगह पर चला पाएंगे। अलग से आप कोई आईडी पासवर्ड इसमें लॉग इन करने की जरूरत या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जियो टीवी प्लस में यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया गया है जिसमे की यूजर अपनी फेवरेट मूवी टीवी शो को आसानी से उसमें ढूंढ पाए। और जियो टीवी प्लस में वॉइस असिस्टेंट को भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप वॉइस कमांड देकर भी कोई भी मूवी वगैरह भी सर्च कर पाएंगे। वैसे जियो फाइबर नेट आपके में से कितने लोगों के पास लगा हुआ है आप मुझे जरूर बताना। और अगर जियो अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करता है फ्यूचर में तो उसको मैं जरूर से देखना चाहूंगा, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह तो हो ही जाएगी। बाकी आपको इनमें से ज्यादा एक्साइटेड कौन सी चीज लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।